हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 29। थोड़ी देर पहले शालिनी कुछ कपकेक्स लेकर गार्डन में खेलते बच्चों की तरफ आते हुए बोली, आ जाओ बच्चों, आओ ये कपकेक्स खा लो। पीयू जो वहाँ अपने घर के दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर बैठी मिट्टी में हाथ में लकड़ी का वो पतला सा डंडा लिए कुछ कर रही थी, शालिनी की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान उस तरफ गया। चूंकि इस समय वो मिट्टी में अपनी और अपनी मम्मा की आकृति बना रही थी, इसलिए शालिनी को वो बनाकर दिखाने के इरादे से वो जल्दी जल्दी बनाने के लिए डंडा मिट्टी में घुमाने लगी। उसके पास कई खिलौने रखे थे जिसमें फुटबॉल और प्लास्टिक की बैट और बॉल भी मौजूद थे। वहीं शालिनी की नजरें पीयू को ही तलाश रही थी, तभी सीढ़ियों पर बैठी पीयू पर उसकी नजरें ठहर गई। बेबी पिंक कलर की फ्रॉक में उसके छोटे और हल्के घुंघराले बालों की दो पोनी बंधी थी, माथे पर छोटे छोटे बाल बिखरे थे और खिलखिलाकर हंसने पर उसके दाएं गाल पर पड़ता डिम्पल और छोटी हो जाती आंखें। शालिनी सिर्फ अपनी बेटी को देख रही थी जो बहुत ही ज्यादा तल्लीनता से अपने काम में खोई थी। तभी शालिनी का ध्यान टूटा जब एक बच्चा उसके पास आकर बड़ी मासूमियत से बोला, आंटी प्लीज एक और कपकेक दोगे क्या? शालिनी मुस्कुरा दी और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, क्यों नहीं दूंगी, जरूर दूंगी, ये लो। कहते हुए उसने एक कपकेक उसे उठाकर दे दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। इधर पीयू ने खुश होकर जमीन पर मिट्टी में देखा, उस पर एक आकृति बनी थी जहाँ एक औरत और छोटी बच्ची की आकृति बनी थी। भले ही वो अच्छी नहीं थी मगर पीयू उसे देखकर बहुत खुश थे। वो शालिनी को बुलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गई, मम्मा चलो ना देखो पीयू ने क्या बनाया, बोलते हुए वो उधर गई। तभी उसने सामने देखा तो अपने कमर पर हाथ रखे वो उस बच्चे को देखने लगी जो शालिनी के गाल पर किस करता हुआ बोला, थैंक यू आंटी और आई लव यू, आप ना बहुत क्यूट हो और ये कपकेक भी बहुत अच्छे हैं। उसके ऐसे बोलने से शालिनी हंसती और उसे देखा जो शर्माते हुए इधर उधर देख रहा था। उसके बालों में हाथ फेर कर वो बोली, अच्छा क्यूट तो आप भी हो और लव यू टू क्यूट से हीरो। पीयू ने जब उस लड़के को शालिनी को किस करते देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, ये मम्मा पे लाइन मार रहा है और मम्मा भी कितनी भोली है, वो कुछ समझती नहीं, पीयू इसे छोड़ेगी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई पीयू की मम्मा पे लाइन मारने की। कहकर उसने घूर कर उस बच्चे को देखा जिसका पूरा ध्यान अब कपकेक में था। शालिनी ने प्लेट देखा तो पूरे कपकेक्स बच्चों ने मिलकर खत्म कर दिए थे। वो वहां से उठती हुई बोली, बच्चों आप सब जाना नहीं, मैं अभी आप सबके लिए चॉकलेट लाती हूँ। कहकर उसने पीयू की तरफ देखा और बोली, पीयू आप भी सबके साथ खेलो, मैं अभी आपके लिए भी कपकेक लाती हूँ। उसकी बात सुनकर पीयू मुस्कुरा दी और सभी बच्चों की तरफ देखकर वहां से सीढ़ियों की तरफ चली गई जहां वो बैठी थी, मानो उसे किसी के साथ खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं हो। अगले ही पल अपना प्लास्टिक का बैट उठाए वो गुस्से में उस बच्चे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को छेड़ने की। वो बच्चा उम्र में पीयू से छोटा था, ऊपर से पीयू सब पर अपनी धौंस जमाती थी, शायद यही वजह थी कि उसका आज तक कॉलोनी में कोई दोस्त नहीं था। वो बच्चा हैरानी से पीयू को देख रहा था, फिर वो मासूमियत से बोला, मैं उन्हें छेड़ नहीं रहा था, वो आंटी बहुत क्यूट है तो मैंने बस उन्हें किस किया। उसका बोलना भर था कि पीयू ने अपने उस छोटे से प्लास्टिक बैट से उसके हाथ पर मार दिया। वो लड़का दो पल को शांत रहा मगर फिर रोने लगा। पीयू ने उसे घूर कर देखा और फिर उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए उससे लड़ने लगी। उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर शालिनी बाहर आई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत पीयू को रोकने के लिए बढ़ी, उसको उसने तुरंत खींचकर अलग किया और बोली, पीयू बच्चे क्या कर रहे हो आप, ऐसे नहीं मारते, वो आपका फ्रेंड है ना। अरे मम्मा आप ना बड़ी भोली हो, आप नहीं समझती, आप जाओ अपना काम करो, इसे मैं देख लूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा पर लाइन मारने की। अपना प्लास्टिक का बैट उठाकर वो वापस गुस्से में उस बच्चे की तरफ बढ़ते हुए बोली तो शालिनी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और घर की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन बोली, हरकतें इसकी बिल्कुल अपने बाप पर गई हैं। गाड़ी रुकने की आवाज से पीयू प्रेजेंट में आई और उस बच्चे को देखा जो अब भाग चुका था। बड़ा आया मेरी मम्मा पे लाइन मारने वाला। इस बीच उसका ध्यान राधिका जी के घर के बाहर रुकी गाड़ी पर गया ही नहीं, तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, हे प्रिंसेस। ये आवाज सुनते ही उसने सामने देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक गई। सामने आदि था जो अपने किसी बिजनेस टूर के सिलसिले में बैंकॉक गया था। अपने सामने आदि को देखकर पीयू का सारा गुस्सा गायब हो गया। आदि के गले लगने के लिए वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी। वो उसके पास पहुंची ही थी कि आदि ने उसे गोद में उठाकर हवा में उछालकर उसको अपनी गोद में उठा लिया तो वो खुशी से खिलखिला उठी। अगले ही पल वो अपना चेहरा फिराते हुए मुंह फुलाकर बोली, आप कितने टाइम बाद आए हैंडसम, पीयू आपसे गुस्सा है। उसकी बात सुनकर आदि मासूम सा चेहरा बना लिया और बोला,
लेकिन सॉरी ना, मुझे भी अपने प्रिंसेस से मिलना था, इसलिए जल्दी आया मैं। उसकी बात सुनकर भी पीयू का मुंह फूला ही रहा, लेकिन जब उसने आदि का लटका चेहरा देखा तो ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाई। अच्छा अब चलो, आप दिखाओ मुझे क्या क्या लाए हो आप मेरे लिए। उसकी बात सुनकर आदि मुस्कुरा दिया और उसे अच्छे से गोद में उठाए घर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे ड्राइवर भी एक सूटकेस लिए घर की तरफ बढ़ गया। मयंक अविश्वास भरी नजरों से उसे देख रहा था। वहीं पीयूष के लबों पर एक दिलकश मुस्कान ने जगह ले ली थी। वो अपनी पैंट के जेबों में हाथ डाले किसी सोच में खोया था और उसकी ग्रे आंखों में गंभीर भाव थे। आखिर मयंक ने उसके सामने आते हुए उसे घूरते हुए कहा, तू पागल हो गया है या तेरा कोई दिमाग का पेच गिर गया है? एक थप्पड़ लगाऊंगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तिथि श्रुति को सवाल भरी नजरों से देख रही थी। श्रुति ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, कोई सवाल पूछना चाहती हो? उसके ऐसे बोलने पर तिथि हड़बड़ा गई और बोली, नहीं मतलब हाँ, वो भाई की आंखों में पहली बार मैंने आंसू देखे। 7 साल हो गए मैम मुझे उनके साथ काम करते हुए, अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांधते हुए। बस वो घटना, उस समय मैंने उनकी गुस्से से लाल आंखें देखी थी, मगर आज पहली बार उनकी आंखों में सर्द भाव की जगह सुकून नजर आया, गंभीरता की जगह नमी आई। आखिर क्या वजह है इन आंसुओं की मैम? श्रुति ने गहरी सांस लेकर उसके हाथ पर हाथ रखा तो तिथि ने झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। ये देखकर श्रुति ने भी अपना हाथ खींच लिया। वो कैसे हर बार भूल जाती है ये चीज। तिथि को डर लगता है किसी की भी चुवन से। कैसे भूल गई वो ये चीज कि तिथि भले ही खुद को मजबूत बना चुकी थी बाहर से, मगर आज भी वो उस घटना से उभर नहीं पाई थी। क्या हुआ था ऐसा तिथि के साथ? कौन सी घटना ऐसा असर कर गई उसके ऊपर? क्या कहा पीयूष ने ऐसा कि मयंक नाराज हो गया? कैसे मिलेंगे पीयूष और शालिनी? पीयू कभी मिल पाएगी अपने पापा से? क्या मोड़ लेगी इनकी जिंदगी? जानने के लिए सुनते रहें मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।